मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों आज है 26 जनवरी 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम लोग लेके आए हैं चलिए एक बार देख लेते हैं ब्रीफली आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे पहले पेज पे मतलब जो आज के इवेंट के बारे में बात करेंगे वो है छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस है रिपब्लिक डे है बहुत बड़ा दिन है सरकारी छुट्टी भी है और मैंने एक दोस्त को पूछा कि बताओ भाई आज क्या दिन है उसने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त आज ड्राई डे है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दारूबाज होते हैं ना वो उनको कुछ नहीं पता गणतंत्र दिवस क्या होता है रिपब्लिक डे क्या होता है उनका सिर्फ यह मतलब है कि आज ठेके बंद रहेंगे तो अगर आप भी कैटेगरी में से हो तो आप एग्जाम की तैयारी छोड़ दें ठीक है तो क्योंकि आपके लिए नहीं है लेकिन आपको यह पता है रिपब्लिक डे है कैसे लागू हुआ था क्या जब पूरा आपकी हिस्ट्री पढ़ते हो तब आप इस एग्जाम के लिए प्रॉपर कैंडिडेट हो तो सबसे पहले हम लोग रिपब्लिक डे के बारे में बात करेंगे अगला टॉपिक हम लोग देंगे वेरियस अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे जैसे रिपब्लिक डे में बहुत सारे अवार्ड पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री इनको अनाउंस किया जाता है तो इन थोड़ा अवार्ड के बारे में जानेंगे हल्का सा ज्यादा नहीं फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्रीबीज़ इन इलेक्शन ये आज का टॉपिक रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है सेंटर को भी कुछ बोला है क्या बोला है क्यों बोला है थोड़ा वो बताएंगे क्योंकि पांच राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भर भर के वहां पर खूब सारी अनाउंसमेंट कर रही है तो उसी अनाउंसमेंट को लेकर आज का आर्टिकल है अच्छा आर्टिकल है इस पे हम लोग एक बार एडिटोरियल भी कर चुके हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि द हिंदू में दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर कभी ना कभी एडिटोरियल जरूर आएगा उसको काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखेंगे फिर आज का जो एडिटोरियल सेक्शन है वो क्या है वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड बहुत ही जबरदस्त एडिटोरियल है इसकी आप कटिंग कर लेना ठीक है कटिंग करके आपके जो नोट्स है ना वहां पे आप उसको ऐड कर सकते हो अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हो तो इसका स्क्रीन लेके अपने ईमेल पे या पर जहां पर आप नोट्स बनाते हो जो आपके डिजिटल नोट्स हैं वहां पर आप इसको एड कर सकते हो और यहां पर हाईली रिकमेंडेड है कि कम से कम हम इसको दो तीन बार पढ़ें एक बार पढ़ने में आपका ऐसा जरूर लगेगा कि समझ में आ गया है लेकिन फिर भी तीन बार पढ़ें हर एक छोटी सी चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए लक्ष्मीकांत के जैसा है लक्ष्मीकांत को जितनी बार भी पढ़ते हो ना कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिलता है सीखने को मिलता है समझने को मिलता है वही सी तरह का आर्टिकल है ये इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे फिर आपका आ जाता है एवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जो जीएस पेपर टू जीएस पेपर थ्री से भी कवर कर सकते हैं जीएस पेपर थ्री में तो बिल्कुल मेंशन है ये मेंस में प्रीलिम्स के लिए टॉपिक नहीं है ये मेंस के लिए होता है एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट उसके अलावा जीएस पेपर टू में यहां पर इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो गवर्नमेंट पॉलिसी को, को लेकर है और गवर्नमेंट पॉलिसी हमारा जीएस टू का पार्ट होता है फिर हम लोग करेंगे क्रिसिल रिपोर्ट के बारे में पढ़े इकॉनमी का टॉपिक है और इकॉनॉमी का कोई भी टॉपिक जब भी आता है तो आपको पता है मैं सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन आपको और फोकस इकोनॉमी के ऊपर करता हूं क्योंकि आपका टफ जो है फील्ड है और जो टफ फील्ड होता है उसको करवाने में ज्यादा मजा आता है ना इजी चीज़ें तो सब कोई कर ही लेता है इजी में कोई दिक्कत नहीं है खैर कुछ एडिटोरियल एडिशनल टॉपिक हमारे पास रहेंगे और आज हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज भी आपके लिए ऐड किए हैं इस एमसीक्यू का आंसर आपने देना है और जो बेस्ट आंसर रहेगा उस आंसर को हम लोग कल वाले वीडियोस में ऐड करूंगा उन बच्चों के नाम भी ऐड करूंगा जिसने बढ़िया आंसर यहां पे दिया है और इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको कल वाले एनालिसिस में बताऊंगा तो ये कुछ नया हम लोगों ने इनिशिएटिव शुरू किया है जहां पे कोशिश मतलब मैं ये करूंगा कि आने वाले समय में हम लोग एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकें खैर शुरुआत करते हैं तो सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं रिपब्लिक डे का बहुत बहुत आपको बधाई हो और आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेवेंटी गणतंत्र दिवस है हमारा ठीक है छब्बीस जनवरी 2022 और सबसे पहला जो था वो था कब 26 जनवरी 1950 ठीक है

रूल की बात की थी उन्होंने पूर्ण स्वराज्य की उन्होंने बात की थी और 26 जनवरी 1930 को मतलब अगले ही साल ये देखिए दिसंबर का महीना है ये जनवरी का महीना है तो इन्होंने डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया करेंगे कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाया करेंगे ठीक है तो इसके जो बीज बोए गए थे वो 31 दिसंबर उन्नीस को बोए गए थे लेकिन इसको जो सेलिब्रेट करना हम लोगों ने शुरू किया था 26 जनवरी 1930 सौ उसके बाद हर साल हम लोग पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया करते थे लेकिन अब देखिए इसकी याद में ही जब हम लोगों को 1947 में स्वतंत्रता मिली हम लोग इंडिपेंडेंट हुए तो इसी इस हिस्टोरिकल डे को यू नो रिस्पेक्ट करने के लिए आप कह सकते हो कि हम लोगों ने 26 जनवरी का दिन ही सिलेक्ट किया हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन उससे पहले बनकर तैयार हो गया था छब्बीस नवंबर 1949 को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया था वो सिग्नेचर वगैरह हो गए थे सभी के लेकिन फिर भी हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को ही यहां पे चुना ठीक है इस दिन को यहां पे सपोर्ट करने के लिए मतलब इसको रिस्पेक्ट करने के लिए तो इस दिन से शुरुआत होता है तो क्या हम लोग यह कहें कि सर छब्बीस जनवरी उन्नीस को ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था नहीं ऐसा नहीं है 26 नवंबर उन्नीस के बाद कुछ प्रोविजंस जो थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो अप्लाई हो चुके थे जैसे सिटीजनशिप वाले इलेक्शंस को लेके पार्लियामेंट को लेके है ना 56, 7, 8, 9, 10, 63, 40, ये सब आर्टिकल फाइव सिक्स नवंबर से ही लागू हो चुके थे उसके अलावा जो बच गए थे वो हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 के बाद में उसको कंप्लीटली अप्लाई हम लोगों ने कर दिया तो ये थोड़ी सी कहानी है जो रिपब्लिक ए वर्ड है ना ये एक लैटिन वर्ड है ठीक है जो लिया गया है रेस पब्लिका से का मतलब होता है पब्लिक अफेयर और जो भैया जो गवर्नमेंट होती है जो होती है, डेमोक्रेसी होती तो है, है, तो है और क्या मतलब हिस्ट्री में एंशेंट हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी इंडिया में आपको कहीं ना कहीं रिपब्लिक की जो हैं वो देखने को मिलती हैं डेफिनेटली वहां पर राजा महाराजा थे लेकिन जब आप इंडिया में महाजनपद को पढ़ते हो कितने महाजनपद थे इंडिया में कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो बताओ मुझे 14, 15, 16, 17. कितने महाजनपद थे ठीक है वो आप मुझे बताओगे महाभारत की कहानी सबने सुनी होगी ना उसके जो कुरु थे जो पांडव थे वो भी महाजनपद ही थे है ना और उनके जो यार मित्र हुआ करते थे सब वो महाजनपद का पाठ हुआ करते थे खैर तो आप मुझे बताओगे कितने इंडिया में महाजनपद हुआ करते थे तो ज्यादातर जो जनपद हुआ करते थे वो रिपब्लिक नहीं थे उनमें एक राजा हुआ करता था मोनार्क हुआ करता था लेकिन कुछ जनपद ऐसे थे जिनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी रिपब्लिक की और डेमोक्रेसी की जैसे कंबोज कुरु, कुरु तो आपको पता ही है ना कौरव कौरव वंश यहां से और पांडव सब आपको पता है और मल्ला और भी कुछ रिपब्लिक्स थे ऐसे ठीक है तो ये थोड़ी सी कहानी आपको रिपब्लिक डे के बारे में पता होनी चाहिए और कुछ एमसीक्यूज रिपब्लिक डे के लिए आपके लिए मैं लेके आया हूं ठीक है हु टेक्स द सैल्यूट एट द ग्रैंड परेड ऑन रिपब्लिक डे इन डेली आज परेड होगी हो भी रही होगी आप देख रहे होंगे शायद टीवी पे ठीक है उसकी सैल्यूट कौन एक्सेप्ट करता है ठीक है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर गवर्नर और डिफेंस मिनिस्टर तो इसका आंसर हो जाता है प्रेसिडेंट आसान सा क्वेश्चन है इसलिए मैंने आंसर बता दिया नेशनल ब्रेवरी अवार्ड आर गिवन टू चिल्ड्रन बच्चों को जो बहादुरी पुरस्कार दिए जाते हैं वो भी 26 जनवरी को ही दिए जाते हैं द रिपब्लिक डे परेड स्टार्ट फ्रॉम कहां से स्टार्ट होती है ये आप मुझे क्वेश्चन बताओगे क्योंकि जब हम लोगों ने आपको आ, मैंने आपको क्या बताया था कल वाले टॉपिक में बीटिंग रिट्रीट के बारे में बताया था ना उस समय हम लोगों ने टॉपिक किया था बताओ को तो रिपब्लिक डे की परेड कहां से स्टार्ट होती है रेड फोर्ट इंडिया गेट राष्ट्रपति भवन या फिर विजय चौक से आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ द सेरेमनी नोन एज द बीटिंग रिट्रीट ऑलरेडी हम लोग अच्छा खासा टॉपिक इसको कर चुके हैं कहां पर होती है विजय चौक पे होती है ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं हाउ मैनी गन सैल्यूट आर कितने तोपों की सलामी दी जाती है भैया प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे पे बताओ पच्चीस इक्कीस पंद्रह दस कितने तोप की सलामी दी जाती है बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा आंसर जो है कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट करता हूं मैं आपसे ठीक है वट डिड द परमवीर चक्र रिप्लेस्ड वेन द इंडिया बिकेम रिपब्लिक परमवीर चक्र की जो शुरुआत हुई वो इंडिया के रिपब्लिक बनने से पहले हुई उसके समय पहले अंग्रेजों के समय में भी कुछ अवार्ड दिए जाते थे ठीक है बहादुरी पुरस्कार परमवीर चक्र को बाद में उसने रिप्लेस किया किसने किसको उससे पहले कौन सा होता था आयरन क्रॉस विक्टोरिया क्रॉस ठीक है वॉर मेरिट क्रॉस नाइट ग्रैंड क्रॉस तो आप ये भी बता सकते हो थोड़ा गूगल करना गूगल करने के बाद आंसर देना और जो सबसे टॉप वाले आंसर होंगे उन स्टूडेंट के नाम जो है मैं कल वाले एनालिसिस में बोलूंगा ठीक है चलिए जी शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की जनरल रावत कल्याण गेट पद्म विभूषण ठीक है तो जो हमारे लेट जनरल रावत जी हैं बिपिन रावत जी जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी चोपर क्रैश में ठीक है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे हमारे उनको मिलेगा पद्म विभूषण ठीक है उनको पद्म विभूषण देने की यहां पे घोषणा की गई है उसके अलावा जो एक फॉर्मर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह जी जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उस समय वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मूव है इनको भी मरने के बाद मतलब पोस्थमसली ये वर्ड आप ध्यान रखना पोस्थ मसली का मतलब होता है किसी की मृत्यु के बाद मरणोपरांत जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं इनको भी पद्म विभूषण दिया जाएगा जो कि पूरी तरह से पॉलिटिकल मूव है ये नहीं होना चाहिए था खैर हम कुछ नहीं कर सकते भैया सरकार का कदम है उसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों को जैसे चीफ मिनिस्टर रहे हैं पूर्व चीफ चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के गुलाम नबी आज़ाद एंड और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं बुद्धा देव जी इनको भी पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है हालांकि जो वेस्ट बंगाल के पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे हैं बुद्धा देव जी इन्होंने मना कर दिया है लेने से मैं नहीं लूँगा कहते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है उसके अलावा नीरज चोपड़ा जी हैं जो ओलंपियन हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं ट्वेंटी टोक्यो में पैरालंपिक्स हमारी गोल्ड मेडलिस्ट हैं अबनी जी इनको और सिंगर सोनू निगम को भी जो है पद्मश्री देने की घोषणा की गई है तो इनको मिलेगा पद्मश्री और इनको मिलेगा पद्म विभूषण और इनको मिलेगा पद्म भूषण ठीक है उसके अलावा जो है सत्या नडेला को भी हम लोग यहाँ पे देंगे और सुंदर पिचई जो कि सी ओ हैं गूगल के और अल्फाबेट के इनको भी हम लोग पद्म भूषण देंगे उसके अलावा पंजाबी सिंगर को दिया जाएगा और भारत बायोटेक जो कंपनी है उनके सी ओ को दिया जाएगा उसके अलावा जो सीरो सर्व, सीरम सर्वे ऑफ इंडिया ठीक है उनके जो वो पुणे वाला है उनको भी दिया जाएगा तो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे आप कुछ पॉलिटिकल अवार्ड दिए जाएंगे कुछ अच्छे अवार्ड हैं जो डिजर्व करते हैं ठीक है वो सारी सारी चीज़ें हैं तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा और अवार्ड के बारे में थोड़ा बहुत अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो स्लाइड मैंने आपके लिए ऐड कर दी है ठीक है मुझे पता है आप लोग खुद मेहनत करते हो लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपके भी यहाँ पर मैं भी कर लेता हूँ कई बार बच्चे थोड़ा सा लेज़ी फील करते हैं ना गूगल वूगल करना पसंद नहीं है ज़्यादातर लोगों को कई बार लोगों को लगता है कि बना बनाया हलवा मिल जाए तो वो बढ़िया है कोई बात नहीं हलवा तो हम लोग बना ही देते हैं आपके लिए ठीक है जी तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट टू सिविलियन अवार्ड भारत रत्न और पद्म विभूषण कहां से कब स्टार्ट हुआ था नाइनटीन में स्टार्ट हुआ था ठीक है पह, पहले इनको जो है अलग अलग नाम से नहीं जाना जाता था पदम अवार्डों को इनको कहा जाता था पहला वर्ग दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग बाद में हम लोगों ने इसका नाम डिसाइड कर दिया पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्मश्री तो तीनों में जो Uh, अगर आप क्वालिटी वाइज की बात करो अगर प्रेसिडेंस की बात करो इंपोर्टेंस की बात करो तो सबसे नीचे आता है पद्मश्री उसके बाद आता है पद्म भूषण उसके बाद आता है पद्म विभूषण और भैया इससे ऊपर आता है भारत रत्न ठीक है भारत रत्न के बारे में ऑलरेडी हम लोग अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके हैं तो इसको बताने का कोई फायदा है नहीं लेकिन पढ़ना है तो आप यहां पे पढ़ सकते हो पदमा अवार्ड के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोगों को यहां से मिल जाएगी 1954 में स्टार्ट हुआ था हर साल दिया जाता है ठीक है हर साल दिया जाता है लेकिन नाइनटीन सेवेंटी ये दो साल ऐसे थे जब नहीं दिया गया था उस समय जनसंघ की सरकार थी और वैसे जनसंघ की सरकार ने सारे अवार्ड को ही खत्म कर दिया था भाई हम कोई अवार्ड किसी को भी नहीं देंगे आप भारत के सिटीजन हो सब बराबर हो इसीलिए ठीक है और 1993 और 1997 के बीच में भी जो है उस समय भी नहीं दिए गए थे अवार्ड इज गिवन टू तीन कैटेगरी में दिया जाता है पद्म विभूषण कैटेगरी दी जाती है एक्सेप्शनल सर्विस होती है डिस्टिंग सर्विस कोई नाम ऐसा नहीं है कि मतलब म्यूजिक आर्ट स्पोर्ट्स वगैरह किसी को भी दिया जा सकता है पद्म भूषण भी जो है वो हाइएस्ट ऑर्डर जो होता है कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है कोई सिंगर हो सकता है गायक हो सकता है कोई एनजीओ का कोई सी हो सकता है किसी कंपनी का किसी को भी दिया जा सकता है ये तीनों ही अवार्ड जो है वो किसी को भी दिए जा सकते हैं ऐसा कोई कैटेगरी इसके लिए है नहीं ठीक है उसके अलावा कुछ नोट में आप यहां पे क्या कर सकते हो। जैसे कोई मान लो सरकारी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है उसको नहीं दिया जाएगा कोई पीएसयू में गवर्नमेंट के लिए एम्प्लॉज को यह अवार्ड नहीं देता है ठीक है यह थोड़ा ध्यान रखना अपने उसके अलावा क्या होता है मरनो, मरनो ये नहीं जाते। लेकिन एक्सेप्शनल केस में हो सकता है जैसे जनरल रावत जी केस में हुआ है ना और कल्याण सिंह जी के केस में हुआ आ, तो उस समय दिया जा सकता है एक्सेप्शनल केसेस में बट जनरली ऐसा नहीं होता है. और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि जब एक बार ये विंडो ओपन हो गई है तो फ्यूचर में आपको और भी ज्यादा अवार्ड देखने को मिलेंगे पोस्ट मसली क्योंकि एक बार जब कोई चीज ब्रेक हो जाती है ना फिर उसकी शुरुआत हो जाती है खैर उसके अलावा मार्च अप्रैल में इसको प्रिपेयर किया जाता है एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है और ठीक है प्रेसिडेंट और के द्वारा दिया जाता है सिग्नेचर होता है और एक मेडलन भी आपको मिलता है मेडल मिलता है आपको बेसिकली इसके लिए ठीक है और ये भी बात है कि भैया वन ट्वेंटी से ज़्यादा एक समय में अवार्ड नहीं दिए जा सकते ठीक है वन ही दिए जा सकते हैं कौन डिसाइड करता है उसके लिए एक पद्म अवार्डा कमेटी बनाई जाती है जो कि डिसाइड करती है ये कमेटी जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की जाती है और इस कमेटी को कौन हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी हेड है। करते हैं और इस कमेटी में और भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं हमारे होम सेक्रेटरी होते हैं सेक्रेटरी टू प्रेजिडेंट होते हैं और चार से पाँच छः लोग जो हैं और अलग अलग फील्ड से मान लो किसी यूनिवर्सिटी से किसी आ, उस किसी को ले लिया है ना प्रोफेसर को ले लिया कोई सी, किसी किसी वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले किसी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो प्रोमिनंट लोग होते हैं बेसिकली ठीक है और ये जो रिकमेंडेशन है प्राइम मिनिस्टर को उसके पास रिकमेंड कर दी जाती हैं और प्रेजिडेंट को जो है अप्रूवल के लिए भेज दी जाती हैं तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या, क्या क्राइटेरिया होता है इनको सिलेक्ट करा करने के लिए ठीक है अवार्ड आर अनाउंस्ड ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे रिपब्लिक डे के दिन इसको अनाउंस कर दिया जाएगा और दो चार दिन में जो है इसको वहाँ पे एक स्पेशल सेरेमनी होगी राष्ट्रपति भवन में जहां पे लोग जाके इसको रिसीव करते हैं ठीक है ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा बाकी तो और छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आप जो है प्रीलिम्स प्रीलिम्स ये prelims के लिए मेंस मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछता नहीं है कुछ ना कुछ डिटेल आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकता है ठीक है जी बढ़िया है मजा है इसको पढ़ लेना आप एक दो बार अच्छा लगेगा आपको और चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं सुप्रीम कोर्ट सीख इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स इन द इेशनल बिहेवियर देखिए इेशनल का मतलब क्या होता है बिना सोचा समझा रैशनल का मतलब ये तो होता है ना बिना सोचा समझा मतलब बिना सोचे बकवास करना उसे हम लोग इ बकवास बोलते हैं बिना सोचे समझे डिसीजन लेना प्रोज एंड कॉन्स को इवेल्युएट ना करना और खामखा डिसीजन लेने ना पॉलिटिकल डिसीजन उसको भी इेशनल डिसीजन आप बोलते हो मतलब एक बार मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं किसी को थप्पड़ मारने से पहले सोचते नहीं है इैशनल डिसीजन है ये नहीं पता कि आपने उसको थप्पड़ मारा और आपको गोली मार देगा वो जोश जोश में डिसीजन ले लेना बेसिकली उसको रैशनल डिसीजन भी आप बोल सकते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके बारे में अभी कुछ बोला है वो थोड़ा आपको मैं बता देता हूं देखिए मामला पूरा क्या है पांच राज्यों में जो है इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है और पॉलिटिकल पार्टीज भर भर के रैलीज जो है वो पहले भी कर रही थी अभी भी किसी ना किसी तरीके से कर ही रही हैं और अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आजकल देखोगे ना तो वो आजकल क्या दे रहे हैं जो कई बार वो आप जब बस में सवारी करते हो तो वो लोग आते नहीं हैं वो सामान बेचने के लिए है नहीं, वो दस रुपये दस रुपये दस रुपये तो वो कुछ कुछ आजकल ऐसा ही हो गया है ना केजरीवाल जी अनाउंस करते हैं कि मैं जितनी भी महिलाएं पंजाब में अठारह प्लस उनको हजार रुपए पर महीना दूंगा हजार रुपए हजार रुपए हजार रुपए अगले दिन जो है वो पंजाब के सीएम आते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तुम हजार दोगे मैं तुम्हें दूंगा बारह सौ रुपए बारह सौ रुपए बारह सौ रुपए अगले दिन जो है वो बीजेपी वाले कांग्रेस वाले जाते हैं वो कहते हैं हम आपको देंगे तेरह सौ रुपए तेरह सौ रुपये तेरह सौ रुपए तो इस तरह का भैया खेल चल रहा है केजरीवाल जी जाते हैं कि मैं जितनी भी महिलाएं हैं सभी को सिलाई मशीन दूंगा सिलाई मशीन सिलाई मशीन फिर दूसरे वाले आते हैं अच्छा मैं आपको सिलाई मशीन के साथ जो है एक बैठने के लिए स्टूल भी दूंगा स्टूल 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 तो ये जो फ्री भी चल रहा है भैया है ना फ्री में सामान बेच रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे जो है फ्री दारू भी दी जाती है पता आपको ये अनाउंस नहीं करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे फ्री जो जो दारूबाज बेवड़े लोग हैं ना उनको पता है रैलीज में जब लोगों को बुलाया जाता है तो उनको एक एक पौवा दिया जाता है या दो, दो दो पैक चार एक एक बोतल भी दे दी जाती है कई बार जो थोड़ी महंगी जो ये अमीर पॉलिटिकल पार्टी होती है ना वो एक एक बोतल भी दे देती हैं देसी की देती हैं अंग्रेजी की नहीं ध्यान रखना अंग्रेजी वो बहुत महंगी आती है तो फ्री भी इसे कहते हैं फ्रीबी फ्रीबी मतलब ले लो बस आर यूटिंग दिस पॉइंट तो ये है इसके लिए मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में एक अश्विनी कुमार उपाध्याय जी ये बहुत सारी पी डालते रहते हैं आपको इनका नाम पता होगा पहले भी बहुत सारी पी डालते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये खा, और ज्यादातर ये जो डालते हैं ना वो इलेक्शन और के रिफॉर्म्स को लेके ही डालते हैं ज्यादातर पी वगैरह हालांकि ये खुद बीजेपी के मेंबर हैं और शायद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं पता नहीं तो इन्होंने पीएल डाला इन्होंने कहा है कि देखो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पीएल डाल के इन्होंने कहा कि देखो ये जो तमाशा चल रहा है ना ये पॉलिटिकल तमाशा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग आपको फ्री में चीजें ये बंद होना चाहिए अब ये जो फ्री में मान लो केजरीवाल है कोई भी है जब वो फ्री में चीजें अनाउंस करता है तो क्या अपनी जेब से देते हैं जेब से तो नहीं देते ना भैया वो सब क्या होता है पब्लिक फंड तो होता है पब्लिक फंड मतलब जो आपसे मेरे जैसे लोगों से टैक्स लिया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स उसी से तो लोगों में फ्री में चीजें मिलेंगी ना ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा जिस इन देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फ्री ये जो चीजें दी जाती है माले महिलाओं के लिए कोई पेंशन योजना है या ओल्ड एज के लिए जो पेंशन योजना है उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए मिलना चाहिए अल्टीमेटली वो भी हमारी इकोनोमी में ही कंट्रीब्यूट होगा और उनका जो स्टेटस होगा वो भी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है इकोनॉमिकल स्टेटस है ना वो भी इंप्रूव हो सकता है तो एक वो एंगल भी है लेकिन इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑर्ग्यूमेंट दिया वो ये कहा कि ये पब्लिक जो फंड है ना उनका मिसयूज हो रहा है इस पब्लिक फंड को लेके को आप जो है प्रॉपर तरीके से कहीं और भी यूज कर सकते थे आप इसे हॉस्पिटल बना सकते हो आप इसे रोड्स बना सकते हो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हो आप वोकेशनल ट्रेनिंग के सेंटर्स बना सकते हो है ना आप और चीजें बना सकते हो ये फ्री में आप चीजें मत दीजिए क्योंकि इससे कोई चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है जब आप चीजें प्रोड्यूस करते हो तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है लेकिन जब किसी को पैसा खर्चा करने के लिए दे देते हो तो वो वेस्ट हो जाता है ये इनका कहना है और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भैया आप सरकार से पूछिए कि वो फ्रीबीज क्यों बांटती है ये थोड़ा सा आपको सोचने की बात है अब एक चीज देखिए मतलब कहावत होती है इंग्लिश में कि लोगों को खाने के लिए मछली मत दीजिए लोगों को यह सिखाइए कि मछली पकड़ते कैसे हैं यह बहुत ही आजकल सटीक बैठता है यहां पर जैसा कि आपको देख ही सकते हो और सिर्फ ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी जब रैलीज में जाती है तो वो फ्री की चीजें ही वही वादा करती हैं और भी बहुत वादा करते हैं इनका जो मैनिफेस्टो होता है कभी उस मैनिफेस्टो को देखना हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे वो करेंगे दुनिया भर की चीजें लिखी होती हैं लेकिन उनमें से सिर्फ फुलफिल किसको करते हैं फ्री भी को फुलफिल करते हैं जैसे मोदी जी ने कहा था कि मैं सौ करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा क्या मिला मुझे लगता नहीं एक करोड़ लोगों को भी मिला होगा इवन जिनको मिला था वो भी छीन लिया गया मतलब सिर्फ ये मोदी जी की बात नहीं है हर पॉलिटिकल पार्टी की बात है तो ये जो मैनिफेस्टो के अंदर इतनी सारी चीजें अनाउंस करते हैं उनको तो आप फुलफिल करते नहीं हो जो फ्री में चीजें वाली है इनको आप फुलफिल कर देते हो तो या तो आप उनको भी फुलफिल कीजिए चल तो तब तो हम लोग मान सकते हैं कि कोई बात नहीं भैया आपने उनको भी फुलफिल किया है कोई बात नहीं लेकिन इनको तो आप करते नहीं रोजगार वाले जो वादे आपने किए वो आप फुलफिल नहीं करते है ना एजुकेशन के लिए जो आपने वादे किए वह फुलफिल नहीं करते इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए लेके आपने ले जो वादे किए वह फुलफिल नहीं करते एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए जो आपने वादे किए वह फुलफिल नहीं करते ये फ्री वाले फुलफिल कर देते हो और और आप ये भी सोचिए जो अमीर स्टेट है वो तो चलो फिर भी कर दें उनके पास तो है जुगाड़ है वो पैसा दे सकते हैं लेकिन इतने गरीब स्टेट जिनके ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है वो लोग इस तरह के वादे करते हैं तो इसका मतलब वो समझ ही नहीं रहे हैं और जब आप बिना समझे वादा करते हो तो उसे कहते हैं इर रैशनल फ्री वो कहते हैं ना वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे चांद तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा है ना कहता है वो डार्लिंग मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा कहते अच्छा कल किस समय मिलोगे कहते तो देखता हूं अगर मम्मी ने किराया दिया तो फिर आ जाऊंगा अरे भैया तुम्हारे पास किराया तो है नहीं उससे मिलने के लिए और तुम चांद तारे तोड़ने की बातें करते हो तो ये इर वादे होते हैं जो चांद तारे तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा ठीक है रैशनल Rational, रैशनलिटी तो यही है कि मेरे पास तुम्हारे से मिलने का किराया नहीं है किराया होगा तो आऊंगा नहीं तो नहीं आऊँगा तो वो एक प्रैक्टिकल डिसीजन एक एक होता है वादा होता है ना तो प्रैक्टिकल वादे करिए खाम खां की बातें मत करिए बेसिकली ये इसके अंदर कहा गया है ठीक है थोड़ा ज्यादा समय मैंने यहां पे ले लिया कोई बात नहीं थोड़ा मैं अभी भावनाओं में बह जाता हूँ कभी कभी लेकिन अभी ये थोड़ा आने वाले आर्टिकल हैं इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर जो है ई मतलब एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इसके नाम से ही पता चल जाता है कि एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसकी असेसमेंट करनी है ठीक है उसे कहते हैं एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट मतलब आपको किसी भी जगह पे कोई प्रोजेक्ट लगाना है मान लो आपको यहां पे कोई जूता फैक्ट्री लगानी है अब वो जूता फैक्ट्री लगाने से उसके आसपास के कम्युनिटी के ऊपर एनवायरमेंट के ऊपर सोइल के ऊपर एयर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उस असेसमेंट को ही ई आई ए रिपोर्ट बोलते हैं उस रिपोर्ट के अंदर सारी चीजें होती हैं कि के के है तो ई आई के बारे में आपको नहीं बताऊंगा मामला बता देता तो हूं आपका क्या है देखिए है ई के बारे में आपको पढ़ना है ना शंकर आई के अंदर एक अलग से ही टॉपिक दिया हुआ EIA का ठीक है बहुत डिटेल में दिया हुआ है।

प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो शंकर आईएएस का जो चैप्टर है ना उसको अच्छे से कर लीजिए ईआईए वाला ठीक है तो मामला पूरा क्या बनता है कि भैया नीति आयोग की इन एक प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो प्रपोज किया था 72000 करोड़ का तो देख ही सकते हो बहुत लंबा चौड़ा जो है वो पैसा लगा रहे हैं वो लोग मतलब पता नहीं इतनी किस में कितनी जीरो आएंगी 72000 करोड़ में तो खैर े इस प्रोजेक्ट में जो है एक मेगा पोर्ट बनाया जाना था वहां पे एक एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाना था टाउनशिप बनाई जानी थी और 130 थर्टी स्क्वेयर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट है उसको काट के बेसिकली हम लोग रेजिडेंशियल वहां पे कॉलोनीज बना रहे थे उसके अलावा सोलर पावर प्लांट भी वहां पे बनाया जाएगा गैस बेस्ड पावर प्लांट भी बनाया जाएगा तो ये प्रोजेक्ट बनाए जाने थे जिसके लिए ई रिपोर्ट वो उसको सबमिट किया गया लेकिन ये इस ई की रिपोर्ट में इतनी ज्यादा गड़बड़ी है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते तो जो शंकर आई के अंदर जो बताया हुआ है उन्होंने क्रिटिसिज्म उस क्रिटिसिज्म का एक्चुअली यहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जो जो चीजें शंकर आई में बता रखी हैं वो हर चीज आपको यहां पे इस रिपोर्ट में देखने को मिलेगी कि भैया क्या कमियां हैं इसके अंदर पहली बात है इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है ये जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिनमें सिर्फ नाम मैंशन किया उनका सोर्स मैंशन ही नहीं किया हुआ है कि कहां से रिपोर्ट का कंक्लूजन आपने निकाला है तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं दूसरी बात ये जो ई के लिए जो पैनल बनाया जाता है जो लोग एक्चुअली वहां पे ग्राउंड में जाकर सर्वे करते हैं उसमें सिर्फ एक इंसान ऐसा है जो इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी वाले डिपार्टमेंट से है तो मतलब दस बारह लोगों की टीम है तो सिर्फ एक आदमी ऐसा है और यह भी नहीं पता कि इकोलॉजी एनवायरमेंट में वो उसकी एक्सपर्टीज कौन से एरिया में है इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी अपने आप में ही बहुत वास्ट है तो यह भी नहीं पता तो ट्रांसपेरेंसी है नहीं और सबसे बड़ी बात जिस इंसान को लिया गया है वो गवर्नमेंट का ही आदमी है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के फेवर में ही बात करेगा ये सारी चीजें हैं साइंटिफिक एक्यूरेसी नहीं है डेटा के अंदर डेटा के अंदर कहीं पे कुछ और बताया गया है दूसरी जगह पे कुछ और बता दिया गया है सेम ही चीजों को लेके एरिया को जो है कहीं कहीं पे हजार एकड़ दिखा दिया दूसरी जगह पे नाइन हंड्रेड एकड़ दिखा दिया तो उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है डेटा के अंदर कुछ भी अपने मन से लिख दिया जो भी मन किया वो दो पैग लगाए कहीं पर मन किया नाइन स्क्वायर किलोमीटर लिख दिया कहीं पर थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर स्के लिख दिया तो वो बहुत गड़बड़ है उसके अलावा जो टेबल और लिस्ट यहां पे बनाई गई है प्लांट्स और एनिमल्स की कई एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे ऐड कर दिए गए हैं जो उस आइलैंड पे पाए ही नहीं जाते है ही नहीं भैया वहां पे और कुछ प्लांट और एनिमल ऐसे भी हैं जो उस आइलैंड के ऊपर पाए जाते हैं लेकिन उनके नाम इंक्लूड नहीं किए गए हैं तो बड़ी गड़बड़ है गड़बड़ घोटाला है भैया पूरे का पूरा दाल में काला नहीं है पूरी दाल ही यहाँ पर इन्होंने काली कर दी है उसके अलावा एरिया जो है आइलैंड का वो भी अलग पे अलग जगह पर अलग अलग दिखाया गया है माइग्रेटरी स्पीसीज को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया जबकि जो साइबेरिया से जो आते हैं माइग्रेट बर्ड्स आते हैं अंडमान निकोबार उनका एक यू you नो know, स्पोर्ट है वहाँ पे रुकते हैं वो लोग लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं पे भी माइग्रेटरी बर्ड्स को इंक्लूड ही नहीं किया गया ऊपर से ट्राइबल को तो पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया ट्राइबल को तो इंसान मानते ही नहीं है उनको तो मानते हैं कि जंगली जानवर हैं इनको भगाओ यहां से इतनी ज्यादा इनसेंसिटिविटी है इन रिपोर्ट्स के अंदर आप ये समझ समझ लीजिए कोई आदमी वो बहुत इलीट फैमिली में पैदा हुआ वो इलीट सर्विस में काम करता है वो हार्वर्ड में पढ़ के आया है वो दिल्ली से बाहर कभी निकला ही नहीं क्या आपको लगता है कि वो आदमी जब अंडमान निकोबार में ट्राइबल एरियाज में जाएगा वो ट्राइबल लोगों की प्रॉब्लम को समझ पाएगा क्या उनके कल्चर को उसके साथ वो यू you नो know, वो सेंसिटिविटी रख पाएगा बिल्कुल भी नहीं और यही सब सभी रिपोर्ट में नज़र आता है तो ये जो कंसर्न्स हैं इस रिपोर्ट में नजर आए हैं और इसके बारे में ही ये पूरा आर्टिकल था ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे या जैसे भी रहेगा वो आगे देखने वाली बात है सरकार के ऊपर क्या एक्शन लेती है ठीक है अगला जो टॉपिक आता है वेस्ट इन यूज यूनाइटेड अगेंस्ट द रशिया बाइडेन ने ऐसा कहा है रशिया लॉन्चेज न्यू मिलिट्री एक्सरसाइज नियर यूक्रेन यूक्रेन वाला टॉपिक बहुत पुराना हो गया इसके बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे भैया पक आपके भी कान पक गए होंगे सुन सुन के और मेरे भी पढ़ पढ़ के जो है वो कान कान दिमाग भी सुन हो गया तो इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे जो होगा देखा जाएगा कहने का मतलब ये है कि यूएस से और इसके जो नाटो फ्रेंड्स हैं वो एक तरफ है और रशिया जो है वो एक तरफ है ठीक है आप किसकी साइड में हो वो आप सोच लीजिए रशिया की साइड में यूएसए की साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया का यहां पे क्या रोल हो सकता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया का यहां पे स्टेक होल्डर है ठीक है डेफिनेटली इंडिया स्टेक होल्डर है रशिया हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है पुराना फ्रेंड है है ना चड्डी बड्डी यार है और यूएसए हमारा नया वाला दोस्त है होते ना जैसे आप किसी स्कूल में जो है फर्स्ट क्लास से टेंथ क्लास तक पढ़ते हो तो वहाँ पे आपके चड्डी बड्डी यार होते हैं लेकिन जब आप इलेवंथ में किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लेते हो तो नए वाले दोस्त आपके बन जाते हैं तो ये जो यू एस हमारा नया वाला दोस्त है और ये वा हमारा जो है वो प्राइमरी स्कूल वाला दोस्त है रशिया तो दोनों के बीच में बैलेंस बना कर इंडिया को डेफिनेटली चलना है और इंडिया अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा भी है उस मामले में लेकिन फ्यूचर क्या रहता है वो थोड़ा देखना रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं स्लैश प्राइस इज रेज ऑल दैट ये किसने कहा है क्रिसिल ने कहा है क्रिसिकल एक क्रेडिटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया की और इसने अभी एक रिपोर्ट इशू की है और इस रिपोर्ट का नाम है अन डूंग द कंज्शन स्टॉक ये में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है क्योंकि क्रिसिल काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी है अन तो अगर मैंने इस एजेंसी का नाम लिया है तो मतलब आपको गूगल करना पड़ेगा पहले मैं इसके बारे में बता चुका हूं एक बार आपकी एनालिसिस में आपको इसके बारे में जानना पड़ेगा थोड़ा गूगल कर लीजिए ज्यादा नहीं एक दो पॉइंट अगर आप ऐड करने हैं कर सकते हैं तो इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि देखो भैया इंडिया की हालत है काफी खराब ठीक है चाहे आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करो वो भी ऑल टाइम हाई है चाहे आप इन्फ्लेशन की बात करो उसकी हालत भी काफी खराब है चाहे आप इंडिया में इनक्वलिटी की बात करो उसकी हालत भी बहुत खराब है और रूरल एरिया में जाओगे तो हालत और भी खराब है और अर अर्बन एरिया में भी हालत खराब है कहने का मतलब यह है कि कहीं से भी हम लोगों को पॉजिटिव साइन नजर नहीं आ रहा है हाँ एक पॉजिटिव साइन जरूर है क्या है वो पॉजिटिव साइन ये है कि भैया अमीर लोग जो है और ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं ये एक पॉजिटिव साइंस है और साइन है अदरवाइज तो सब कुछ नेगेटिव है तो उन्होंने कहा कि जो नेगेटिविटी फैल रही है इसको हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं कुछ सजेशन इन्होंने दिया है इनका कहना है कि देखे भैया जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं ठीक है तो ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक के समय से ही हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है पेंडेमिक से पहले भी इंडिया में 45 फाइव ईयर्स में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था ये समझ लो कि मार्च 2020 में लॉकडाउन वगैरह शुरू हुआ था मार्च 2020 से पहले भी इंडिया में इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी जितनी 45 सालों में नहीं थी तो सिर्फ यह कहना कि पेंडेमिक की वजह से हुआ है ऐसा नहीं है इससे पहले भी हमारी हालत काफी खराब थी जीडीपी भी उस समय फाइव सिक्स परसेंट में ही ग्रो कर रही थी तो सरकार कई बार सारी चीजें ना वो पेंडेमिक के सर पर ही फोड़ देती है ठीक रहा लेकिन ऐसा नहीं है उससे पहले भी हमारी हालत को इतनी अच्छी नहीं थी तो इन्होंने कहा कि ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी तो कुछ बातें बताई पहला तो इन्होंने ये कहा कि जो मनरेगा है मतलब जो रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है मनरेगा मनरेगा को जितना पैसा सरकार अभी देती है और ज्यादा पैसा दे जिससे क्या होगा जो मनरेगा के अंदर लोग काम करते हैं उनको और ज़्यादा काम मिलेगा और काम मिलेगा इनकी जो सैलरी बढ़ेगी जब सैलरी बढ़ेगी तो इनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो रूरल एरिया में डिमांड बढ़ेगी और जब डिमांड बढ़ती है तो इकोनॉमी ग्रो करती है एक तो इन्होंने सीधा सीधा से रिलेशन ये बताया है ठीक है दूसरा दूसरा इन्होंने ये कहा है कि सिर्फ अर्बन एरियाज में रूरल एरियाज में नहीं अर्बन एरिया में भी कुछ ना कुछ आप ऐसी स्कीम लेके आइए जो कि अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करता है रूरल एरिया में अपने मनरेगा चला दिया लेकिन अर्बन एरिया में तो कुछ भी नहीं चलाया अर्बन एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है सरकार उसको यूजली इग्नोर कर देती है क्योंकि ऐसा मान लेती है सरकार के अर्बन एरियाज में तो लोगों के पास पैसा है ही लेकिन ऐसा नहीं है इन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसी स्कीम भी चला सकते हो तीसरा इन्होंने ये सजेशन यहां पे दिया है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं डीजल पेट्रोल पे उसको आप जो है कट कर दीजिए हालांकि आपने थोड़े समय पहले कट किया था उससे लोगों को रिलीफ मिला है लेकिन इस कट को और नहीं होता है, फ्यूल हमारी की होती है। जब फ्यूल महंगा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और हर चीज हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं है और जब ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो इसका मतलब महंगा हो जाएगा वो प्राइस एक्चुअली कहा होता है वो आपके एम के अंदर ही तो ऐड होता है तो जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो एमआरपी भी महंगा होगा और एमआरपी महंगा होता तो है मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट को अगर आपको कॉस्ट को कम करना है तो आपको फ्यूल प्राइस को कम करना पड़ेगा ठीक है और जो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, उनके ऊपर कम खर्चा आएगा डेफिनेटली आप सोच के देखिए मान लो किसी किसान के पास जो है वो डीजल इंजन है और वह डीजल का यूज करता है तो उस अब डेफिनेटली वो जब डीजल के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्चा करेगा तो बाद में उसकी जो फसल होगी उसके ऊपर भी खर्चा आएगा अगर आप डीजल का पैसा डीजल को कम कर दोगे रेट तो उस किसान की ओवरऑल इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो ये सिर्फ फ्यूल प्राइस सिर्फ फ्यूल प्राइसिस नहीं होता आपको गो, आपकी बाइक में डलवाने के लिए स्कूटी में डलवाने के लिए नहीं नहीं ये फ्यूल प्राइसिस आपकी इकोनॉमी की बैकबोन होती है तो इन्होंने कहा कि फ्यूल प्राइसिस को और ज्यादा फर्दर कट डाउन करने की जरूरत है फ्यूल प्राइसिस कम होगा लोगों के खर्चे कम होंगे लोगों के खर्चे होंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड पड़ेगी और अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी ऐसा इन्होंने कहा है सरकार इसके ऊपर क्या सोचती है हमें अभी तक नहीं पता खैर ये छोटा सा पूरा का पूरा टॉपिक था लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज देखता हूं कि बहुत सारे लोग एनालिसिस देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक काफी कम करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो यार ठीक है आपके लिए मेहनत करते हैं सुबह सुबह चार बजे उठ के और कुछ ना कुछ तो आपको यहां से हम लोग पॉजिटिव देके ही जाते हैं राइट और बहुत सारे बच्चे रेगुलर हैं हमारे आते हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अपने यार दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर जरूर किया करें कि इस तरह के एनालिसिस हम लोग लेके आते हैं रोज आपके लिए मेहनत करके और आपको बेनिफिट होगा आपके दोस्तों को बेनिफिट होगा क्योंकि जो ज्ञान होता है ना जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा तो कंजूसी नहीं करनी है वीडियो को लाइक किया करो शेयर किया करो और ज्ञान को बांटा करो ठीक है इन्फ्लेशन को लेकर यूपीएससी में ऑलरेडी ये ट्वेंटी ट्वेंटी वन के क्वेश्चन हैं ऑलरेडी क्वेश्चन मैं आप ऐड कर दिए हैं दोनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें पहले वाला क्वेश्चन देखिए कुछ लोग कहते ना कि इंपॉर्टेंस क्या है न्यूज की वो इस क्वेश्चन से आपको न्यूज की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी ये जो टॉपिक है हो सकता है वो किसी भी बुक में आपको एज इट इज ना मिले और शायद मिलेगा भी नहीं लेकिन इस टॉपिक की एनालिसिस हम लोगों ने कम की थी कल की थी कल जब मैंने आपको बताया था कि कैसे जो यूएसए का फेडरल रिजर्व है वो जब अपने इंटरेस्ट रेट चेंज करता है उससे आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है उसका इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है कल किया था ना याद है और ये जो टॉपिक है आपका एज इट इज वहीं से उठाया गया है ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर प्रीलिम्स तो पहले हुआ था ये टॉपिक तो अब आया है। अरे ये टॉपिक न्यूज पेपर में पहले भी आ चुके हैं पहली बार नहीं आए तो न्यूज पेपर के एडिटोरियल से न्यूज पेपर के आर्टिकल से डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन उठा लेता है और ये क्वेश्चन आपका वहां से इजिली हैंडल हो जाता है ये किसी बुक से हैंडल नहीं होगा ये इंपॉर्टेंस होती है न्यूज़पेपर की और जिस तरह से इतना डायनामिक नेचर हो गया एग्जाम का तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं ठीक है तो ये तो आपका वहाँ से हैंडल हो जाएगा इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है और जो बच्चा इसका आंसर देगा वो हम लोग उसको उसका नाम कल अनाउंस करेंगे देखिए कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है कि ऐसा सोच रहे होंगे सर हमें चॉकलेट बांटेंगे एड्रेस पूछेंगे हमारा ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ नाम आपका अनाउंस करूंगा कि अच्छा आंसर दिया था एक बढ़िया स्टूडेंट है हमारे और फ्यूचर में जो है हम आपको और ज्यादा आगे डेफिनेटली लेके जाएंगे वन वन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग इज लाइकली टू मोस्ट इन इट्स ये बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार करती है देखिए कल मैंने आपको थोड़ा सा बजट डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट पब्लिक डेट के बारे में बताया था ना कल आर्टिकल जो आया था याद करो उसमें मैंने आपको बारह तेरह टर्म बताई थी जो आपको करना है अगर वो टर्म आपको पता है तो समझ लो इसका आंसर खुद ही आ जाएगा कुछ नहीं करने की जरूरत है उन टर्म का मतलब जानना चाहिए बस आपको उसका मतलब टर्म का मतलब क्या होता है उसका क्या इंपैक्ट होता है अगर वह वो आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका इजीली हैंडल हो सकता है आसान है इजी है मस्त है बढ़िया है ट्वेंटी का क्वेश्चन है तो दो क्वेश्चन जो है इन्फ्लेशन से पूछे गए हैं वैसे भी इन्फ्लेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इन्फ्लेशन और बैंकिंग ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना तो ये मैन सी क्यू हम लोग करेंगे चलिए जी ठीक है अब बात करते हैं आज के एडिटोरियल सेक्शन पे देखिए इस एडिटोरियल सेक्शन के बारे में जितनी बातें कर ली जाए उतनी कम है इसके बारे में दो घंटे तीन घंटे भी बातें की जा सकती हैं क्योंकि आपका जो लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर है प्रियम्बल है ना और मतलब प्रीएम्बल वाला जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में और डेमोक्रेसी को लेके रिपब्लिक को लेके जो मेंस के परस्पेक्टिव से डिस्कशन की जाती है इवन ऐसे में भी इस तरह के टॉपिक पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है कितना मर्जी डिस्कशन कर लो उतना ही कम है ना डेमोक्रेसी को आप पाँच मिनट में नहीं समझ सकते रिपब्लिक को आप पांच मिनट में नहीं समझ सकते इसके लिए आपकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है पोलिटिकल स्ट्रक्चर की वर्ल्ड ओवर क्या चीजें होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम इसको तीन बार जरूर पढ़ें कम से कम तीन बार पढ़ें इसको सेव करके रखें फ्यूचर में जैसे ही बोर होते हो तो इसको उठा लिया करो इसको पढ़ लिया करो कोई आपको लगता है कि आपका कोई सीनियर है कोई दोस्त है मित्र है जो आया है जिसके साथ आपको किसी टॉपिक पे डिस्कस करनी है कोई और टॉपिक नहीं मिलेगा तो ये उठा लो के चलो भैया इसके ऊपर डिस्कस करते हैं रिपब्लिक क्या होता है डेमोक्रेसी क्या होता है पब्लिक डिबेट क्या होता है डिस्कशंस क्या होते हैं है ना पढ़ो उस चीजों को सोचो समझो अंडरस्टैंड करो ठीक है देखिए नॉलेज लेना कोई बड़ी बात नहीं है नॉलेज तो आपको आ ही जाएगा नॉलेज इज नॉट अ बिग डील क्योंकि नॉलेज तो इंफॉर्मेशन से आता है और इंफॉर्मेशन आपके पास है ही चारों तरफ इंफॉर्मेशन है इवन आपके पास ओवर इन्फ्लेशन हो गया ओवरफ्लो हो गया इन्फ्लेशन का तो जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आती है नॉलेज तो आपको चीजों की आ ही जाती है समस्या क्या है समस्या है अंडरस्टैंडिंग की यह नहीं आ पाता क्योंकि अंडरस्टैंडिंग से आता है मैच्योरिटी ठीक है और मैच्योरिटी से क्लियर होता है यूपीएससी मैच्योरिटी से पता चलता है आपकी ऑफिसर्स की जो स्किल्स होती हैं वो नॉलेज होना ही काफी नहीं है दोस्तों नॉलेज तो मैं आपको रोज देता ही हूं उसको अंडरस्टैंड करो अपने आसपास सोसाइटी में देखो अपने समाज को देखो दुनिया को देखो कैसे आपकी नॉलेज वहां पर प्रैक्टिकली अप्लाई होती है कैसे चीज़ें वहां पे काम कर रही हैं कैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ को इंपैक्ट कर रही हैं सोसाइटी को इंपैक्ट कर रही हैं कैसे उस वो हमारे पास्ट में हुई हैं कैसे वो प्रेजेंट में हो रही हैं कैसे वो फ्यूचर में हो सकती हैं वो होती है अंडरस्टैंडिंग और जब आप इतनी चीज़ों को समझने लगते हो तब आपके थॉट के अंदर मैच्योरिटी आता है और मैच्योरिटी ही यूपीएससी मांगता है आपसे ठीक है तो ये थोड़ा सा आपको स्केल देखना पड़ेगा और जितनी बार आप उस चीज़ों को पढ़ोगे ना जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये जो बताया गया है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड तो यहाँ पे क्या है रिपब्लिक को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो रिपब्लिक हमारे हम लोग परेड होती है छब्बीस जनवरी की आज परेड होगी वहां पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने रिपब्लिक डे को अपनी जो हिस्ट्री है उसको सेलिब्रेट करते हैं जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट है उसको सेलिब्रेट करते हैं लेकिन ये परेड वरेड सब फालतू है अगर आपको रिपब्लिक की का मतलब ही नहीं पता ये परेड वरेड सब फालतू है अगर डेमोक्रेसी को वैल्यू ही नहीं करते हो ये परेड वरेड सब फालतू है अगर आपको इसके पीछे की स्पिरिट ही नहीं पता परेड करते रहो परेड में क्या है परेड तो भैया पाकिस्तान में भी होती है है ना परेड तो चाइना में भी होती है परेड का क्या है जब तक आपको चीजों की समझ नहीं है तो ये तो सिर्फ एक छलावा है एक शो है खाली है ना बॉलीवुड की कोई मूवी का शो है लेकिन जब इसको समझोगे तब उस परेड का मीनिंग है है ना तो वट इज मेंट बाई रिपब्लिक एंड वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिपब्लिक का मतलब क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या इसका देखिए इन्होंने दो सिग्निफिकेंस बताए हैं एक बताया एंटी मोनार्किकल एंटी मोनार्किकल ये मतलब होता है रिपब्लिक का रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो भी हमारा रूलर होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा ये मतलब होता है रिपब्लिक का कि जो हाईएस्ट लेवल पे हमें रूल करता है वो जनता के द्वारा इलेक्ट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये मतलब होता है रिपब्लिक का मोनार्की का मतलब होता है जब एक इंसान होता है एक इंसान वो बैठा रहता है टॉप के ऊपर सारे डिसीजन वही लेता है उसे कहते हैं मोनार्की जैसे पहले राजा महाराजा हुआ करते थे है ना वो सब डिसीजन लेते थे जो मर्जी करो उसे कहते हैं मोनार्की लेकिन जब पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया हुआ कोई इंसान वो डिसीजन लेता है फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल उसे कहते हैं रिपब्लिक तो ये इसका सिग्निफिकेंस है रिपब्लिक का लेकिन आप पूछ सकते हो कि सर वन पर्सन रूल में क्या दिक्कत है मोनार्की में क्या दिक्कत है मुझे तो नहीं लगता मोनार्की में क्या दिक्कत है कई लोग ऐसा पूछ सकते हैं पूछने में कोई हर्ज भी नहीं है सवाल हमेशा पूछना चाहिए आप बोलोगे सर बहुत महान इंसान है बहुत बढ़िया इंसान है वो अगर वो रूल करेगा तो दिक्कत क्या है उसमें देखिए दिक्कत है और बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि जब कोई एक इंसान आपके ऊपर रूल करता है कोई राजा महाराजा ऊपर बैठा हुआ है सिंहासन के ऊपर तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग नहीं है वो सब्जेक्ट है वो सिटीजन नहीं है वो सब्जेक्ट है जैसे किसी लेबोरेटरी के अंदर चूहे होते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए सब्जेक्ट उसको बोला जाता है आपने वो मुन्ना भाई एमबीबीएस तो देखी होगी उसमें जो आनंद भाई होते हैं जो चीज व्हील चेयर पर रहते हैं तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है सब्जेक्ट को कुछ समझ नहीं आता और उसमें जो मुन्ना भाई होते हैं वो कहते हैं कि सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हो इसका नाम है तो अगर आप किसी मोनार्की के अंदर रहते हो ना दोस्तों तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट हो आपकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है आप सिटीजन नहीं हो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के साथ जैसा मर्जी करें वैसा ही हो सकता है उस सब्जेक्ट की कोई फ्रीडम नहीं होती है राजा चाहे जो मर्जी कर सकते हैं चाहे तो अब उसमें होता क्या है एक दिन राजा आपको जो है वो एकदम फरारी फरारी दे सकते हैं कि चलो भाई आज फरारी की सैर करो और अगले अगले दिन आपका जो है वो गला काट सकते हैं ठीक है आप कुछ नहीं कर सकते जो मर्जी आएगा वो करेंगे आपकी फ्री विल खत्म है वहां पे ठीक है और वहां पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है वो जो मर्जी जैसा डिसीजन ले पर्दे के पीछे बैठ के अपने रूम में बैठ के डिसीजन लेते हैं कि आज हम लोगों ने उस अब राजा है वो वो तो कुछ भी कर सकते हैं मान लो राजा के मन में आया कि इस कंट्री से ऐसे सभी लोगों का गला काट दिया जाए जिसका नाम सितेंद्र है मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी कोई फ्री नहीं है मेरे पास कोई पावर नहीं है तो कंट्री में जितने भी सितेंद्र नाम के लोग होंगे अगले दिन सबका गला काट दिया जाएगा का चौराहे के ऊपर खड़ा करके आप कुछ कर सकते हो क्या नहीं कर सकते समझ रहे हो तो ये जो है थोड़ी समस्या है और थोड़ी नहीं बहुत बड़ी समस्या है दुनिया में आज तक जितनी भी मोनार्की हुई हैं सभी का यही हाल हुआ अल्टीमेटली कोई दस साल कोई पंद्रह साल बीस साल पचास साल सर्वाइव किया है लेकिन अल्टीमेटली सभी ऐसे गिर गए हैं क्योंकि इसके अंदर जो लोग होते हैं वो स्लेव होते हैं सिटीजन नहीं होते हैं क्योंकि जो सिटीजन होते हैं ना उनके उनके पास पावर होती है लेकिन स्लेव्स के पास कोई पावर नहीं होती है तो एक तो मतलब होता है रिपब्लिक का ये एंटी मोनार्किकल एंटी वन पर्सन रूल और दूसरा मतलब होता है रिपब्लिक का गवर्नमेंट बाय डिस्कशन 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 करिए डिबेट करिए ओपन डिबेट करिए फ्री डिबेट किए कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए जब डिबेट और डिस्कशन करके डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उसे कहते हैं रिपब्लिक और ये डिबेट डिस्कशन कहां होती है क्या सिर्फ ये पार्लियामेंट में होती है नहीं है, ऐसा नहीं है पार्लियामेंट में ही नहीं होती है ये लोग भी करते हैं आप किसी गांव में चले जाइए किसी शहर में चले जाइए शाम के टाइम वहां के जो 10-20 लोग होंगे वापस में बैठेंगे और आपस में डिस्कस करते हैं दुनिया भर की वो भी तो डिबेट और डिस्कशन है क्योंकि तो यही डिबेट और डिस्कशन बाद में जो है बड़े लेवल में जो है पार्लियामेंट में होती हैं और तब डिसीजन आपके लिए जाते हैं ये मतलब होता है रिपब्लिक का तो जनता की मर्जी से जनता के द्वारा और जनता अपने भलाई के लिए जो डिसीजन लेती है वो सरकार को लेने चाहिए वो मतलब होता है रिपब्लिक का जैसे वही तीन फार्म फार्मलो की आप बात कर सकते हो फार्म लो के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट था वो जीता जागता उदाहरण था रिपब्लिक का और डेमोक्रेसी का कि कैसे लोग अपने लिए खुद डिसीजन लेते हैं आर्बिट्रेरी जो डिसीजन होते हैं मोनार्किकल जो डिसीजन होते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती लोगों से पूछा नहीं जाता है वो कितना डेंजरस होते हैं सोसाइटी के लिए तीन फार्म लो और भी बहुत सारे भैया हमारी तो हिस्ट्री ही रही है प्रोटेस्ट की है ना पूरा हमारा फ्रीडम सर्कल ही जो जितना हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल किया है सारा प्रोटेस्ट के ऊपर ही टिका हुआ था आज ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं आज से 200 बाद साल बाद भी आ, 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 होंगे डेफिनेटली होंगे ये चीज़ें डेमोक्रेसी में ही हो सकती हैं रिपब्लिक में ही हो सकती हैं ये चीज़ें डिक्टेटरशिप में नहीं होती हैं चाइना में नहीं होती हैं चाइना में प्रोटेस्ट होंगे तो वो गोली मारेंगे सीधा सीधा खड़ा करके एकदम ब्लैंक समझ रहे हो ये थोड़ी चीजें हैं तो गांधी जी ने जो स्वराज वाला जो कंसेप्ट दिया था वही ही दिया था गांधी जी ने कहा कि हमें सिर्फ पॉलिटिकल इजेशन से छुटकारा नहीं पाना है वो तो हम लोग पा ही लेंगे ब्रिटिशर्स को हम लोग यहां से भगा ही देंगे लेकिन जो मेंटल कोलोनाइजेशन है उससे छुटकारा भी जरूरी है है ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात उन्होंने कही बहुत बड़ी बात कही ठीक रिपब्लिक का मतलब होता है फ्री विल देखिए इसका थोड़ा आपको एग्जाम्पल देता हूँ मेंटल कोलोनाइजेशन का एग्जाम्पल देता हूं जैसे जैसे हमारे यहाँ पे कास्टिज्म जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हिस्टोरिकली बहुत बड़ा आगे भी रहेगा फ्यूचर में यहां पे क्या रहता है कुछ हाइयर कास्ट होती है और कुछ लोअर कास्ट होती है हाइयर कास्ट ने लोअर कास्ट को इतने सदियों से दबा रखा है लोअर कास्ट के अंदर जो है एक मेंटल सेटअप बन गया है कि दे आर इंफीरियर चाहे आप उनको जितना मर्जी बोल दीजिए लेकिन वो जेनरेशन टू जेनरेशन वो घुस गए हैं ना बहुत सारे लोगों में अभी भी इंफ्योरिटी की फीलिंग आ जाती है are you, are you तो ब्रिटिशर्स ने हमारे अंदर सिर्फ पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन ही नहीं किया मेंटल कोलोनाइजेशन भी किया जो कि सही नहीं है चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो तो मेंटली जो आप स्लेव बने हुए हो ना चाहे वो कास्ट को लेके रिलीजन को लेके किसी लैंग्वेज को लेके रीजन को लेके वो हमारे डेमोक्रेसी और रिपब्लिक को खतरा है उससे निजात पाना बहुत ज्यादा जरूरी है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ये जैसे जैसे मान लो आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करो है ना आप लोग जो है मान लो आप हरियाणा से आते हो या पंजाब से आते हो कहीं से भी आते हो और तमिलनाडु से आते हो अगर आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई बात बोलते हो चाहे आपने वो बात जितनी अच्छी से अच्छी बोली हो भरपूर उसमें ज्ञान भरा हुआ हो लेकिन लोग उसको इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देंगे वैल्यू नहीं देंगे लेकिन अगर वही बात आपने इंग्लिश में बोल दी लेकिन चाहे आपकी बात में तो दम भी ना हो लेकिन आपने बढ़िया बढ़िया फ्लावरी प्रोनाउंसिएशन और वो वर्ड्स यूज करके आपने बोले लोग बोलेंगे वाह वाह क्या क्या ज्ञान है यार इस आदमी को है ना ये तो बहुत इंटेलेक्चुअल है यही होता है ना ये क्या ये मेंटल कोलोनाइजेशन ही है यही गांधी जी ने कहा था हमें सिर्फ पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन से मुक्ति नहीं चाहिए मेंटल कोलोनाइजेशन से भी चाहिए वो लैंग्वेज को लेके भी हो सकता है कास्ट को लेके भी हो सकता है रिलीजन रीजन किसी भी चीज को जेंडर को लेके किसी चीज को भी लेके हो सकता है इन चीजों को दूर करेंगे ना तब रियल मायने में हम लोग रिपब्लिक बनेंगे तब रियल मामले में हमारे यहां पे डेमोक्रेसी होगी लेकिन रिपब्लिक और डेमोक्रेसी वैसे दो अलग अलग चीजें फ्रांस, फ्रांस तो वहां पे इसको यूज किया जाता है लेकिन इंडिया वाले में, रिपब्लिक हम लोगों ने अलग है और डेमोक्रेसी अलग है इसीलिए हमारे प्रियम्बल में दोनों चीजें ऐड की गई है डेमोक्रेटिक भी ऐड किया गया देखिए रिपब्लिक का मतलब होता है जब लोग इलेक्ट करते हैं ये वर्ड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है लोग पीपल लेकिन कौन लोग होंगे यह भी तो सोचने की बात है ना उस लोगों में कौन इंक्लूड होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सिर्फ हाइयर कास्ट वाले होंगे क्या सिर्फ रिच लोग होंगे क्या सिर्फ मेल होंगे फीमेल नहीं होंगी है ना यह भी तो सोचने की बात है आपने बोल तो दिया कि लोग इलेक्ट करते हैं लेकिन कौन लोग आर दिस पॉइंट जब सभी लोगों की बात करते हैं इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी लोग तो इलेक्ट करेंगे लेकिन सभी लोग इलेक्ट करेंगे दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी अब यूएसए का एग्जाम्पल लीजिए यूएसए में वोटिंग पावर थी लोगों के पास लेकिन वह सभी लोगों के पास नहीं थी वह ब्लैक लोगों के पास नहीं थी सिर्फ व्हाइट लोग ही वोट कर सकते थे और उसमें भी सिर्फ मेल फीमेल को अधिकार नहीं था तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यूएसए रिपब्लिक था यस लेकिन क्या यूएसए डेमोक्रेटिक था नो रिपब्लिक था लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं था तो इंडिया ने हमारे देखे जो यार हमारे जो फोर फादर्स हैं जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं है ना जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो कितने समझदार लोग थे उन्होंने प्रियम्बल के अंदर दोनों वर्ड को ऐड किया कि हम लोग रिपब्लिक भी रहेंगे और हम लोग डेमोक्रेटिक भी रहेंगे ठीक है सभी को वोट का अधिकार होगा किसी भी कास्ट किसी भी जेंडर किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो और सभी की वोट की एक वैल्यू होगी वन वोट वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और इसी को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना है ठीक है क्योंकि इसे हम लोग प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा प्रेजेंट और आने वाली जनरेशन का फ्यूचर दोनों ही खत्म हो जाएंगे तो जो भी सरकार डिसीजन लेती है वो डेलिबरेट डिसीजन नहीं होने चाहिए वो डिबेट से होने चाहिए डिस्कशन से होने चाहिए हम जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव भी ऐसे होने चाहिए कि जो लोगों का ध्यान रखें उनकी बात को आगे पहुंचाएं दिस पॉइंट तो ये सारी की सारी चीजें हैं और इसीलिए आप देखोगे कि रिपब्लिक के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है लोग तो बनाते हैं ना लोग बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का ये तो मतलब होता है पॉलिटी लिबर्टी फ्रीडम और जो कानून बनाए जाते हैं लोगों के द्वारा लोग उसको फॉलो करें वही तो मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन का और लोग और जब तक उसको फॉलो करेंगे जब तक डेमोक्रेसी बनी रहेगी तब तक रिपब्लिक बनी रहेगी ये टॉपिक ऐसा जिसमें आप घंटों बात कर सकते हो बिना रुके हुए पूरा पूरा दिन बात कर सकते हो पूरा पूरा दिन बात कर सकते हो ठीक है एक वर्ड था जीरो गए थे एक बार विवेकानंद जी जीरो के ऊपर वो दो दिन बोलते रहे खत्म ही नहीं हुआ जीरो के ऊपर डिस्कशन इतना ज़्यादा ज्ञान इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तो ये जो टॉपिक है डेमोक्रेसी रिपब्लिक फ्रीडम डिबेट डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये कोई आपको मैं दस मिनट में नहीं बता पाऊंगा इसलिए कहूंगा आपको इस आर्टिकल को बार बार पढ़ें आपके जो फैकल्टी हैं टीचर हैं उनके साथ डिस्कशन करें आपके जो सीनियर्स हैं आपके जो मित्र हैं दोस्त आपके साथ तैयारी करते हैं उनके साथ डिस्कशन करें कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें जितनी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी तो पॉलिटी का एग्जाम के लिए तैयार करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कुछ गिने चुने आर्टिकल आप तैयार कर लोगे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा नो no. अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है और आपका अगर एग्जाम क्लियर हो भी गया अगर आपको समझ ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की देश की समझ ही नहीं है हिस्ट्री की समझ नहीं है तब आप क्या अच्छे ऑफिसर बन पाओगे नहीं बन पाओगे फिर बाद में जब आप डिसीजन लोगे तो वो भी ऐसे ही होंगे खास नहीं होंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत जरूरी है ठीक है उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं हमारे पास आप इनको डेफिनेटली पढ़ सकते हो ये वाले दो आर्टिकल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं आज दोबारा से एक्सप्लेनर सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है तो जिन बच्चों ने पहले उन क्लासेस को नहीं किया है ठीक है आप जाके इनको पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इनक्वालिटी वाला चैप्टर भी हम लोग कर चुके हैं अच्छे से और ये बेटिंग रिटेट वाला तो शायद हम लोगों ने कल ही किया था तो इसको भी आप क्लियरली पढ़ सकते हो इसलिए आपके लिए मैं दो एक्स्ट्रा पेड पेज भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो यहाँ पर कमेंट वगैरह में आप उसको कर सकते हो ठीक है आई होप आपका डिस्कशन समझ में आए होगा तो लाइक किया करो यार वीडियो को ठीक है और शेयर करें ज्ञान बांटें कंजूसी मत करो किया करो ज्ञान बांटने में ठीक है ज्ञान लेने में आलस मत करो और ज्ञान बांटने में कंजूसी मत करो ये दो चीज़ें आपको आएंगी तभी आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल ग्रो करेगी चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद